ये बहुत ही पुरानी हवेली है। माना जाता है कि यहाँ पर भूतों का राज होता है। यहाँ पर कोई नहीं रहता, कोई आता भी नहीं। ये भूतों का बादशाह दारा कोयला है। ये बहुत दिनों से भूखा है। ये सिर्फ आदमियों को खाता है, सिर्फ इंसान को। ये बहुत भूखा है। खाना दो। मालिक, खाना नहीं है। मालिक, मैं भूतों के डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो ही बताएगा आपका क्या होगा। भूतों के डॉक्टर, आ जाओ आ जाओ। डबरू, क्या तुमने मुझे बुलाया? मेरे मालिक की तबीयत बहुत खराब है। मालिक, उठ जाइए। अगर इन्हें खाना नहीं मिला तो मर भी जा सकते हैं। मालिक, अगर आपको खाना नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। नहीं मालिक, ले जाइए। डमरू, जाओ मेरा भविष्य दिखाओ, बताओ मुझे कब खाना मिलेगा। ये तो सिर्फ भूतनी ना बता सकती है। तो फिर जाओ भूतनी ना को बुलाओ। इस तस्वीर में जो भूतनी ना है, आ जाओ आ जाओ। भूतनी, क्या तुमने मुझे बुलाया? हाँ, मेरा भविष्य दिखाओ, बताओ मुझे कब खाना मिलेगा। दारा कोयला को खाना जल्द ही मिलेगा। वो या ये इस हवेली में दो तीन लोग आएंगे, एक मोटा और दो पतले आएंगे। दारा कोयला को तब खाना होगा। टीकू जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर ले आया हूँ हवेली का।
ये कौन सा रूम है? चलो इसको देखते हैं। हमें तो बड़ा इंतजार था। बुद्धि ना इसके ऊपर बेहोशी का पाउडर डालो, जल्दी डालो। क्या है वो, जल्दी बोलो। अच्छी सोच है। ये मालिक का यार, मालिक का। अरे जीजा जी, यहाँ पर कोई आ गए। आपकी तारीफ। मेरा नाम दारा कोयला है, मैं इस घर का मालिक हूँ। अच्छा, तो आप है काला कोयला? दारा कोयला। अच्छा, माफ कर दीजिए। बहुत रात हो चुकी है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं जी। आज रात सो सकते हैं जी। शुक्रिया। मेरे शेर जागो, जागो मेरे वफादार, जागो हतूबा, हतूबा, हतूबा। ये तो गिर गया, चलो भागो। अभी इसे ढूंढते हैं।